हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो इंडियो। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। किसी का मैंने कमेंट देखा था, करंट फीलिंग जानना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, तो मैं बताना चाहती हूँ। सॉरी फॉर द डिले, मैं रीडिंग नहीं कर पाई, वर्कशॉप चल रही है। एक्चुअली आज मैं भी सोच रही थी, जैसे पहले सुबह सुबह मेरी रीडिंग आया करती थी, वो टाइम वापस आ जाए फिर से ताकि मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह रीडिंग किया करूं जैसे मैं पहले करती थी। बट अभी टाइम नहीं मिल पाता है, मैं कहीं ना कहीं स्टक रह जाती हूँ काम में। चलिए मैं रीडिंग करती हूँ। कोई भी मेरे नेल्स नहीं देखेगा, देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे और पर मुझे आपके लिए रीडिंग भी करनी थी। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं आपके लिए रीडिंग करने आ गई हूँ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, उनके दिल में क्या है आप जानना चाहते हैं। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं उनके दिल में क्या है। देखिए मैं प्रे कर रही हूँ, आप भी प्रे कर लें ताकि आज की रीडिंग में आपको एक्यूरेट आंसर मिले अपने सवाल का। द मून, फियर है इस वक्त किसी चीज़ का ना, मुझे डर नज़र आ रहा है आपके पर्सन में इस रिलेशनशिप को लेके। मैं सिर्फ आपके बारे में ही पूछ रही हूँ कि क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो डर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, आपको खोने का भी डर है उनके अंदर। अगर आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है ना, तो वो उनको डर लगता है। अगर कभी भी ऐसा होता है आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो तो उनको भी घबराहट होने लग जाती है कि कहीं आप इनके हाथों से निकल ना जाएं, कहीं छूट ना जाएं, अलग ना हो जाएं। तो इस चीज़ का डर इस वक्त आपके पार्टनर को हो रहा है। इमोशनली ड्रेन्ड डेफिनेटली द मून एनर्जी दिखाती है हमको कि वो इमोशनल ड्रेन्ड हो रहे हैं, इमोशनल हर्ट हो रहे हैं। इस वक्त ऐसा भी उनका नेचर है कि छोटी छोटी बातें ना उनको हर्ट कर रही हों इमोशनली। वो अकेला महसूस कर रहे हैं खुद को। पहला हमको जवाब यही मिला है कि इस वक्त वो फियर में है आपको लेके, आपको खोने से डर रहे हैं, कहीं आप दूर ना हो जाओ। द चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल, आपको लगता है कि आप किसी एक जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ऐसा आप फील करते हो इस पार्टनर के लिए। और आप मूव ऑन कर रहे हो, मुझे आप दिख रहे हो कि आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से ही उनको डर लग रहा है। कहीं आप सच में उनसे दूर तो नहीं हो जाओगे, कहीं आप उनसे ब्रेकअप तो नहीं कर लोगे, कहीं आप उनसे बात करना तो नहीं बंद कर दोगे, कहीं आप किसी दूसरे पर्सन के साथ इंगेज तो नहीं हो जाओगे। तो ये सब चीज़ों का डर आपके पर्सन को हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि कुछ ना कुछ आप भी ऐसा कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें वो पर्सन नोटिस कर रहा है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको उनका अब आप उनके बिना अब रह लेते हो। ये सब चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके। अगेन ऐसी ही एनर्जी आई है, वो इस वक्त आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप उनके बिना खुश ना रहने लग जाओ। इनसिक्योरिटी हो रही है इस पर्सन को ना, बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस हो रही है इस वक्त। ये पर्सन पोजेसिव है आपके लिए। आप दोनों के बीच में देखिए कास्ट डिफरेंस
हो सकती है आप किसी अलग कास्ट के हैं, वो किसी अलग कास्ट के हैं, या सोसाइटी में कुछ ऐसा डिफरेंस तो मुझे दिख रहा है, सोशल डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, मिल नहीं पाते हो, बातें नहीं कर पाते हो, तो इस वजह से भी आप ना थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो इस पर्सन से, और ये सब चीज़ें आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं, उनके दिल में हर एक चीज़ है, आप कुछ भी मूव करते हो, कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, वो आपको हर जगह पे नोटिस करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली आप ना इनसे दूर जाने की बात कर रहे हो, सकता है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ है और आप मान नहीं रहे हो, आपने उस पर्सन से बात करना बंद किया हुआ है, ऐसी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप कहीं दूर जा रहे हो उनसे, आप उनसे दूर हो रही हो, इनसिक्योरिटी होने लगी है इस वक्त की करंट एनर्जी में, मेन एनर्जी यही है, इनसिक्योरिटी, पोजेसिवनेस, आपके पर्सन आपको लेके इस वक्त यही महसूस कर रहे हैं और उनका मन शांत नहीं है, 24 घंटे उनके दिमाग में आप चल रहे हो, और पॉजिटिव वे में नहीं हो, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव इन द सेंस लो हो रहे हैं, उनको डर लगना, ठीक है, इनसिक्योर होना, आप उनको छोड़ के ना चले जाओ, और वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, और आपके बीच मुझे कुछ आर्गुमेंट भी नज़र आ रहे हैं कि कुछ आज ही आपकी जैसे उनसे बात हुई हो, आपने उनसे कुछ बोला है, तो ये सब चीज़ों को लेके वो परेशान हो रहे हो, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं ये भी देख लेती हूँ, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिक अट्रैक्टिवली, देखिए आप ना सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगे हो, आप अपनी वैल्यू करने लगे हो, तो ऐसा नहीं है कि उनको बुरा भी नहीं लग रहा है उसके लिए, तो वो समझ रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो, आप उनको ये नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो रह नहीं पा रहे हैं, आपने जब अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, एग्री हैं वो, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी अपने अंदर, नेगेटिव उनके अंदर इमोशंस है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा उस चीज़ से डर लग रहा है, उनकी सोल हैप्पी है कि आपने एटलीस्ट कुछ तो सही किया, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दूरी बनाई, आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उनसे दूर जा रहे हो, वो कंप्लीटली अंडरस्टैंड है उनकी तरफ से, समझ रहे हैं, वो आपकी गलती नहीं निकाल रहे हैं इस वक्त, वो खुद को ही कोस रहे हैं, खुद के अंदर उनके अंदर ना गिल्टी आ रही है कि उनकी कुछ ऐसा करने की वजह से आपने ये डिसीजन लिया, अब आप ये ब्रेकअप चाहते हो या इनकी लाइफ से निकल जाना चाहते हो, वो समझ रहे हैं आपको, आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, आप जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस हाल में कर रहे हो, उनको शिकायत नहीं है, बस अब उनको डर लगना शुरू हो गया है, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ये भी हो रहा है कि वो चाहते नहीं कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, इस वक्त उनकी एनर्जी में ये है, वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ एंगेज्ड हो जाओ, थोड़े से इस वक्त सेल्फिश हो रहे हैं ना, तो खुद बढ़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं आगे बढ़ना चाहते, और आपको ये कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते हैं, कुछ कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, और ये भी नहीं चाह रहे हैं कि आप जाओ इनसे दूर, देखिए द डिस्टोर्टेड मस्कुलिन, आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, लो वाइब्स आ रही है आपके पर्सन की, अब जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो उनको आपके ऊपर ध्यान देना है, वो चाहते हैं कि बस आप उन्हीं के बारे में सोचते रहो, उनसे बातें करते रहो, उनसे पीछे पीछे घूमो, तो तब वो खुश रहेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है, बस आपको बीच में ना फंसा के रखना चाहते हैं, अभी भी ये पर्सन आपको ना कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, बट ये भी चाहता है कि आप इनसे दूर ना जाओ,
तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है। होप गाइज आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। देखिए मैं टाइम निकाल के आपके लिए रीडिंग लेके आती हूँ, इसके लिए लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।